अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे आप सब लोग? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और आज हम लोग बनाने वाले हैं मिल्क पाउडर से बर्फ़ी। तो मिल्क पाउडर की बर्फ़ी बनाएंगे आज दिवाली स्पेशल। तो चलो बनाना स्टार्ट करते हैं। क्या क्या उसमें इंग्रेडिएंट्स लगेंगे तो वो मैं बताऊँगी आप लोगों को। चलो, तो यहाँ पर मैंने ली हूँ मिल्क पाउडर 200 ग्राम। आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हो। और ये एक कप हम लोग दूध लेंगे। ये कुनकुना दूध है, इसको मैंने पहले ही बॉईल कर ली थी। तो हल्का कुनकुना दूध और इलायची पाउडर और घी और ये शक्कर, पीसी हुई चीनी। इसको चीनी को पीसने के बाद में इसको एक बार अच्छे से छान लेंगे, क्योंकि अगर इसमें कुछ भी कचरा रहा या गुठली रही तो वो निकल जाएगी। तो इसको एक बार छानना बहुत ज़रूरी है चीनी को। तो चलो अभी बनाना स्टार्ट करते हैं। गैस ऑन करेंगे और एक पैन ले लेंगे और उसमें मैं डालूँगी ये 2 चम्मच घी। आपके पास जो भी घी हो डालना। और घी मेल्ट हो जाएगा तुरंत। हम लोग इसमें ऐड करेंगे ये 1 कप दूध। और दूध कुनकुना ही लेना है हल्का सा बॉईल करके। अब गैस को बंद कर देंगे और ये जो मिल्क पाउडर है इसमें थोड़ा थोड़ा डाल के मिक्स करना है, एक साथ में सारा नहीं डालना है। तो जैसे कि मैं ये अभी आधा डाली हूँ और अभी इसको अच्छे से गैस को बंद करके ही करना है। ये इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। इसके जितने भी लम्स है इसको पूरी तरह से अच्छे से घोल लेंगे। बिल्कुल भी लम्स नहीं आना चाहिए इसमें। ये देखिए, इस तरह से मैंने इसको अच्छे से घोल ली हूँ। और जो भी इसमें ऐसी गुठली लग रही है, और जब मैं गैस अभी ऑन करूँगी, हाँ गैस ऑन करने पे ये जो इसमें दिख रही है गुठली वो भी मेल्ट हो जाएगी पूरी तरह से, अच्छे से ये पूरी पिघल जाएगी। तो इसको इसी तरह से हम लोग चलाते रहेंगे, बिल्कुल भी रुकना नहीं है वरना ये नीचे लगने लग जाएगा। ये देखिए कितना ठीक हो चुका है। ये देखिए इस तरह से ये ठीक हो गया, बिल्कुल भी रुकना नहीं है, इसको कंटिन्यू चलाते रहना है इस तरह से ये। और इसको पूरा एक डो बनाना है इसका, और 5 से 7 मिनट कंटिन्यू चलाते रहेंगे, बिल्कुल भी रुकना नहीं है वरना ये नीचे लग जाएगा, ये मावे के फॉर्म में आ जाएगा, पूरा खोआ बन जाएगा इसका। तब तक हमें चलाते रहना है बस। ये इस तरह से ये पूरा डो फॉर्म में आ चुका है, जैसे डो रहता है वैसा बन गया है, पूरा इसका मावा तैयार हो चुका है। ये देखिए, बस और 2-3 मिनट में इसको चलाऊंगी, फिर इसके बाद में इसको एक बर्तन में निकाल लेंगे, फिर इसको ठंडा करेंगे। तो ये देखिए रेडी हो चुका है हमारा ये मावा, इसको मैं निकाल लूँगी अभी एक प्लेट में और इसको ठंडा होने देंगे। पूरी तरह से इसको ठंडा करना है, बिल्कुल भी ये गर्म नहीं रहना चाहिए, एकदम इसको रूम टेम्परेचर पे छोड़ देंगे। फिर इसमें हम लोग शक्कर, तो अभी डालेंगे एक ये छोटा चम्मच इलायची पाउडर। अगर इलायची पाउडर नहीं है तो इलायची को कूट लेंगे। और अब मैं इसमें डालूंगी शक्कर। तो अगर आपको ज़्यादा मीठा चाहिए तो आप अपने हिसाब से शक्कर डालना, मैं थोड़ा मीडियम रख रही हूँ, ज़्यादा मीठा नहीं रखूँगी। तो इसके लिए मैं ये 8 चम्मच शक्कर मिलाई हूँ, ये छोटे वाले। तो इसको अच्छे से एक बार मिला लेंगे इस तरह से। ये छोटा चम्मच घी डालेंगे इस तरह से, और थोड़ा सा हाथ में भी लगा लेंगे और इसको अच्छे से एक बार मिला लेंगे शक्कर डालने के बाद में। ये डो देखिए पूरी तरह से ये, और एक बार चख लेना, अगर आपको मीठा ज़्यादा चाहिए तो आप और डाल लेना, मैंने तो चख ली हूँ ये एकदम प्रॉपर है। तभी हाथ पे थोड़ा सा ये घी लगा लेंगे इस तरह से, और इसके छोटे छोटे पेड़े बनाएंगे। आपको कितना साइज चाहिए, मीडियम बड़ा, वो अपने हिसाब से बनाना। तो इसको ये शेप में बना लेंगे, आपको जो भी शेप में बनाना है। और ऐसा उंगली से थोड़ा हल्का सा प्रेस कर लेंगे और इसको लगाएंगे बादाम, बादाम, पिस्ता, केसर, आपको जो लगाना है आप लगा सकते हो। ये देखिए इस तरह से मैं सारे बना लूँगी।
तो ये देखिए पेड़ा ये रेडी हो चुका है, मैंने इस तरह से बनाई हूँ, आप लोग भी ज़रूर बनाना। और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर करना, और मिलते हैं अभी नेक्स्ट रेसिपी के साथ में। अल्लाह हाफिज़, हैप्पी दिवाली।